मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है 28 दिसंबर। और तो गाइस आज कल दिन भर बहुत बारिश हुई थी, इसलिए हम लोग का जो प्लान था बारक रिवर जाने का वो हम नहीं जा पाए। तो कल होल डे हम फॉर्म लैंड में घूमे थे, उसका वीडियो आपने देखा होगा। और आज 28 दिसंबर है, 28 दिसंबर को हमने प्लान किया है यहाँ पे रेंगोन जाने का। रेंगोन में बेसिकली एक बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस बनाया हुआ है ट्री के ऊपर, तो वो जा कर के देखेंगे। यहाँ से तमेंगलोंग विलेज से 10-15 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे जा कर के देखते हैं कि कैसा है रेंगोन यहाँ का। और बेसिकली यहाँ पे दो रेंगोन है, एक रेंगोन विलेज साइड में है और एक जब हम तमेंगलोंग इंटर करते हैं उस साइड पे है। तो लेट्स गो, चलते हैं वहाँ पे, जा कर के देखते हैं कैसा है ट्री हाउस। आई होप कि आपको भी पसंद आएगा, देखते रहो पूरे वीडियो को, आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, आज का वेदर भी बहुत अच्छा है। खुशी ब्रदर अपो इज ड्राइविंग दिस बोलेरो। हम लोग जुगाड़ वाले सीट पे बैठे हैं, ऐसी दिस इज द जुगाड़ वन। आज क्लाउड बहुत ही क्लीन लग रहा है। जो दोनों साइड जो शॉप्स देख रहे हो, ये पूरा तमेंगलोंग का मार्केट है। और आगे जो गोल चक्कर है, गोल चक्कर से राइट हम लोग जाते हैं इम्फाल, दैट वे इज गोइंग टू इम्फाल। ऑल्सो देर इज़ ए वे फ्रॉम हियर, यहाँ से भी हम इम्फाल जा सकते हैं। दिस इज सो मडी, इट्स अ ह्यूज। हल्के हैवी रेन की वजह से पूरा रोड मडी हो गया है। सी गाइस, यहाँ पे दो पेट्रोल पंप है तमेंगलोंग में, एक ये है और एक दूसरे साइड पे है। गो इनसाइड, ट्री हाउस के लिए अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। इस माउंटेन में बम्बू ट्री सबसे ज्यादा है, और यहाँ के जो बम्बू ट्री होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। यू कैन सी वेरी स्लिपी रोड। Oh my god. See. Oh. Due to heavy rain, ये पूरा रोड बहुत ही स्लिपरी हो गया है। यहाँ के रोड्स के लिए तो सबसे अच्छी बोलेरो ही है, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ तो फंस जाएगी मड में। जब रेनी सीजन होता है यहाँ पे तो सिर्फ यही गाड़ियाँ ही यहाँ सर्वाइव कर पाएंगी, और यहाँ के लिए बेस्ट व्हीकल है। और सी द ऑरेंज फार्म, ये देखो इतने सारे ऑरेंज के ट्री हैं यहाँ पे। ऑरेंज ट्री और वो पूरा तमेंगलोंग। वेलकम टू चिलवेन रेंगोन। Whenever you are coming here, you have to make an entry and register. Come look. There are so many people here.
आपको। तो गाइस दिस इज अ काइंड ऑफ स्काई वॉक, आप यहां पे आकर के स्काई वॉक का मजा ले सकते हो। एट ए टाइम ओनली वन। So this is the tree house, guys. So we are going down. वहाँ पे चल के देखते हैं क्या है। Oh, there is a beautiful house, I think. तो गाइस नीचे बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस है, लेट्स गो वहाँ पे देखते हैं। पिकनिक के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया है। तो आप जब भी इधर कभी घूमने आओ तो यहाँ पे आओ, एक्सप्लोर करो इस एरिया को। सी यहाँ के लोगों ने कितना ब्यूटीफुली इसको बना रखा है। वाव, वेरी ब्यूटीफुल यार। So guys, हम लोग जा रहे हैं अभी ट्री हाउस में। So protect your head here, बच के। See the house. Wow, beautiful house. Small balcony. कहाँ देंगे? So guys, ये है tree house. Silwan. So Silwan village में ये tree house है. सीधे है ना? Oh. और यहाँ से view. एक ट्री हाउस वहाँ ऊपर है, वहाँ हम अभी जाएंगे। और एक ट्री हाउस यहाँ पे है। सो बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है यहाँ से, लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पे बनाया है खुद से। और एक बहुत बड़ा एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है। कह रहे हैं तो गाइस हम लोग अब नीचे जा रहे हैं, हमने ये ट्री देख लिया, अब दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। एक बार में 5 लोग आते हैं इस ट्री हाउस में और बहुत ही क्राउड है, बिकॉज क्रिसमस का टाइम है, बहुत सारे लोग बाहर से यहाँ आते हैं, तो सभी लोग इस ट्री हाउस को देखने के लिए आए हुए हैं। Let's go fast. और ये बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस बनाया हुआ है वुड का, यहाँ पे लोगों के लिए बनाया हुआ है। Let's go. Let's go inside the house. Oh. Wow. बैठो वहाँ पे, आई विल टेक सम फोटो। और बहुत अच्छा यहाँ पे वुड का बैठने वाला बना हुआ है। This look very beautiful. तो अब हम लोग दूसरे वाले ट्री हाउस के लिए जा रहे हैं।
लेजी फेलो। हेलो गाइस, तो हमने यहाँ पे ट्री हाउस देख लिया, दो दो ट्री हाउस है यहाँ पे। तो गाइस अब हम लोग घर जा रहे हैं। कल का प्लान क्या होगा कल डिसाइड करते हैं, कल सुबह कहाँ जा पाते हैं हम लोग। हाउ वाज द ट्री हाउस? गुड, नाइस, ब्यूटीफुल, बट यू नो इट्स एग्जॉस्टिंग। ओके ओके, लेट्स गो। सो दिस प्लेस इज कॉल्ड चिलवन रेंगोन। तो हमने ट्री हाउस यहाँ का देख लिया, यहाँ पे दो दो ट्री हाउस है। तो ज़्यादातर नवंबर दिसंबर मंथ में ये ओपन होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द विजिटर दिस टाइम आते हैं। और काफ़ी ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, यहाँ के लोगों ने काफ़ी मेंटेन किया है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है कि देर इज़ नो कॉस्ट फॉर दिस। लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। तो आई होप गाइज आपने इन्जॉय किया होगा यहाँ का। मैंने ड्रोन शॉट भी लिया है, वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल। तब तक ले, बाय, टेक केयर।